तो फाइनली सीआईएसएफ कांस्टेबल की तरफ से एक गुड न्यूज आ चुकी है, जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए 1130 पोस्टों का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही में यहाँ पर एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, कौन सा आर्ट्स साइंस वाला दोनों अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ साइंस वाला अप्लाई करते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। कितना आपका रनिंग होने वाला, कितना हाइट, चेस्ट, वेट, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो शुरू से आशा कर जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट को पाने के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जो कि आज की यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, किस डेट में यहाँ पर जारी हुआ है जो कि देख सकते हैं। और डेट जो हमारा स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो होने वाली 31/8 को रहने वाली है, बाकी 30/9 यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर जारी हो चुकी है और यहाँ पर ये कॉन्स्टेबल का जो टोटल वैकेंसी ऑफ सीट की रहने वाली है वो 1130 पोस्ट रहने वाली है। तो सब प्लीज़ सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे वो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फायरमैन में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, बाकी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देख सकते हैं बेसिक पे 21,700 रहने वाले, 59,100 रुपये आपको लास्ट रहने वाले है। बाकी यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है, बाकी यहाँ पर चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2004 तक रहनी चाहिए और रिक्वायरमेंट पास बिल भी तक इफेक्टेड PT यहाँ पर रहने वाली है। और जो फिर उसके बाद आपका पहले PT इसमें होगा, फिर आपके बाद एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। और यहाँ पर OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइप यहाँ पर एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है, तो आप दोनों माध्यम से यहाँ पर दे सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है कि OMR होगा या थी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं कितनी रहने वाली है, कितनी चीज़ें क्या क्या रहने वाले हैं। बाकी हम मेन पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पे सैलरी की बात करते हैं 21,000 रहने वाली है, बाकी हमारे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है वो यहाँ पर ही देख सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। बाकी हम ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर सारी चीज़ें बताने की करेंगे। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली थी, क्वालिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि 12th पास साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, 12th पास साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आर्ट्स के बंदा नहीं अप्लाई कर सकते, आर्ट्स जो रहने वाली है आर्ट्स का बंदा नहीं अप्लाई कर पाएगा, आर्ट्स का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता है, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि आर्ट्स वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर साइंस वाले चाहे वो मैथ ले चाहे बायोलॉजी ले, 12th में अगर मैथ भी लिया होगा आपने बायोलॉजी भी लिया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल रहने वाली है। बाकी यहाँ पर जो जनरल के लिए जनरल का तो कोई भी छूट नहीं मिलता है 18 से 23 साल रहने वाले। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि एज में छूट जो आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ कि एज में क्या छूट मिलता है। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट मिलती है और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट मिलती है। और वहीं बता दें जनरल OBC चिल्ड्रेन एंड डिपार्टमेंट एक्शन किल्ड ऑन द 1984 के अगर रहने वाले हैं तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल सकता है। अगर इन सब चीज़ें आप नहीं है तो आपको बेसिकली आपको जनरल को 18 से 23 साल रहने वाले, बाकी SC ST के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी। और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सारा आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से होगा। बाकी यहाँ पर PT का डिटेल हम आपको बता देते हैं। मेडिकल में क्या क्या होने वाली वो आप देख सकते हैं, मेडिकल कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है आई यानी चेक होगा, यानी आँखों का चेक होगा, टाइम ऑफ द डिस्टेंस डिस्चार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी आपको कन्वर्ट करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। पूरी डिटेल को समझने के बाद यहाँ पर सिंपली हम नीचे आपको अब हम किसी अन्य वेबसाइट से आपको सारी जानकारी देते हैं। हम यहाँ पर फीस क्या लगने वाली है, तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं, बाकी SC ST कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो चलिए मैंने किसी आर्टिकल लिख रखी है जो कि मेन पॉइंट है, वहाँ से मैं आपको सारी डिटेल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने आर्टिकल लिख रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो होने वाली है 31/8/2024 को हमारा जो एग्ज़ाम हो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, साथ में 30/9/2024 तक रहने वाली है। बाकी हमारा जो फॉर्म करेक्शन का डेट जो आने वाला है 10 से 12 अक्टूबर को आ जाएगी, इनके द्वारा 10 से 2 दिन का दिया गया है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें 18 से 23 वर्ष रहने वाली है। बाकी जो आपको छूट मिलता है OBC और SC ST को वो मिल जाएगा। आपको जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 100 रुपये आपको पे करने होंगे, बाकी SC ST और ESM के लिए कोई भी पे नहीं करने हैं। बाकी आपका पे करने का मूड रहेगा जो ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पर नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे और भी डिटेल दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी डिटेल CISF के जितने भी स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी डिटेल रहने में, जैसे कि अंडमान निकोबार में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले में हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बिहार में असम में सभी जगह आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसा मत सोचिए कि चंडीगढ़ में कोई भी वैकेंसी नहीं है तो चंडीगढ़ वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई ज़रूर करिए, कहाँ की
वहाँ पर ये जो आपको सिलेक्शन होने के, ये इतनी सीटें खाली है वो बताई गई है, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ना समझ में आ गया होगा कि सीटें खाली है यहाँ की, नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं है अगर चंडीगढ़ के तो चंडीगढ़ में ही आपका होगा, नहीं कहीं भी वो दे सकता है। बाकी यहाँ पर 1130 टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। बाकी हम आपको बता दें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन द 12th क्लास पास, यहाँ पर रहना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस सब्जेक्ट के साथ ही, आपके पास आर्ट्स रहेगा तो आप इसमें अप्लाई करने के भाग्य या पात्र नहीं होंगे। इनके द्वारा ये भी बता दिया गया है। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन कॉन्स्टेबल फायर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाली है, देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सी एस एफ फायर मैन रिक्वायरमेंट इन द फिजिकल एबसेंटी टेस्ट, तो यहाँ सबसे पहले आपको फिजिकल होने वाला है, फिर PST होने वाला है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका PT में क्या क्या होने वाला है, तो PT में आप देख सकते हैं कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 24 मिनट में तय करनी होगी। तो ऐसे अधिकतर बच्चे 20 से 22 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, तो बेसिकली निश्चिंत रहे कि आपका क्लियर हो जाएगा, बस आपको रनिंग करते रहना होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी कोई भी ऐसा अभी नहीं बताया गया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड पहले फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद ही आ पाएगा। अब वाले बात कर लेते हैं PST, PST में हमारा क्या होता है, PST में हमारा हाइट और चेस्ट के माप और वजन वगैरह ये सब देखा जाता है, वेट वगैरह देखा जाता है। तो हाइट की बात करें तो 177 सेंटीमीटर रहने वाला है और चेस्ट हमारी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की फुलाव हमारी रहनी चाहिए चेस्ट में, नहीं तो हमें बाहर कर देंगे। और वहीं कॉन्स्टेबल फायरमैन के लिए पैटर्न क्या रहने वाली है, तो देख सकते हैं कैंडिडेट हुए क्वालिफाइड होने PT, PST, DV विल बी द क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन, और CBT या OMR बेस्ड रहने वाला है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपका एग्जाम होने कंडक्ट कराने की यहाँ पर संभावना बताई गई है। फिलहाल कोई एक ही माध्यम में आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका PT होगा, PT में आपका जो भी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो भी 24 मिनट आपको तय करना होगा, फिर PST होगा, PST में आपका हाइट नापा जाएगा, हाइट जो कि 170 यहाँ पर बताया गया है फायरमैन के पोस्ट के लिए, 170 आपका हाइट होना चाहिए, और सीने चेस्ट की फुलाव 80 से आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की फुलाव होनी चाहिए तभी आपको इसमें भाग लेने के काबिल होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर बता दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द ऑब्जेक्शन पेपर, यानी 100 क्वेश्चन रहने वाली है और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर हमने यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है, जैसे कि देख सकते हैं सब्जेक्ट जो क्या क्या रहने वाले, तो रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले, जनरल GS में 25 क्वेश्चन 25 मार्क रहने वाले, मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क रहने वाले। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी लेते हैं, तो किसी कोई भी आप एक ले सकते हैं, 25 क्वेश्चन रहने वाले, 25 मार्क्स रहने वाले, बाकी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पर आप किस तरह से फॉर्म फिल करना है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं। फिलहाल हम जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो आएगा तो मैं आपको वीडियो अप्लाई करके बता दूंगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं आने वाले डेट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऑफिसर। जय हिंद, वंदे मातरम।